जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थली घरेवलम्ब्य लम्बितांबुजङ्गतुङ्गबालिकाण्डमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकारचण्डताण्डवं तनोतुर शिव शिव। हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ले आऊंगी कुंभ का बहुत अच्छा एक ब्लॉग, तो आज आ गया है वो ब्लॉग। आज का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज है बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉग, आज महाकुंभ का ब्लॉग है। बहुत अच्छे से देखिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, अभी हम लोग है अमरापुर घाट में हैं। और कुंभ के लिए यहाँ पे आप लोग देख ही रहे कितना सुंदर करके सजाया है। और ये घाट ऐसे था नहीं, अभी नया किया है, तो बहुत अच्छे से सजाया, बहुत बहुत ही सुंदर किया है। देखिए, और ये देखिए इतना सुंदर लाइटिंग दिया है, पूरा पेड़ में पूरा लाइट करके दिया है, पेड़ में पूरा लाइटिंग दिया है। और यहाँ पे देखिए एक ब्रिज है, ये जो है ना ये एक ब्रिज है, ब्रिज में पूरा इतना सुंदर कॉम्बिनेशन करके ग्रीन येलो ब्लू पूरा कॉम्बिनेशन करके पूरा एकदम लाइटिंग इतना अच्छा लग रहा है। चलो हड़की पौड़ी चलते हैं, चलो। ये देखिए हम लोग घर की पौड़ी जा रहे हैं। ये फ्रेंड बहुत मतलब कसरत तो बहुत दिक्कत के बाद हम लोग जा रहे हैं हरकी पौड़ी। और हरकी पौड़ी बहुत दिन हो गया है कि माँ गंगा के पास गए नहीं थे। मेरा मन बहुत अब देखते हैं फोर व्हीलर को जा, हो सकता कि जाने ना दे। अब ऐसा ही तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, पता नहीं क्या होगा। हम लोग तो फ्रेंड आप लोग अभी पार्किंग मिल गया है मतलब भगवान की कृपा से, और हम लोग अभी जा रहे हैं। ये हरकी पौड़ी है ना, और ये देखिए हम लोग अभी पहुंच चुके हैं और माँ गंगा का दर्शन मिल गया है, जो माँ गंगा का पहला दर्शन है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये जो चेन है और ये वाला जो जो रॉड देख रहे हैं यहाँ पे, वो ये नया किया है कुंभ के लिए, क्योंकि सब नहाएंगे तो फिर वो पकड़ के वो लोग नहा पाएंगे। और ये जो देख रहे चेन है, ये चेन पकड़ के नहाना है। पौड़ी का जो रूप देखेंगे ना एकदम मोहित हो जाएंगे, इतना सुंदर है। देखिए देखिए देख रहे हैं वो जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज में राम का जो धनुष है उस धनुष का ये किया है। देखिए
राम का धनुष। नमस्कार कर बाबा गणेश के, नमस्कार कर। उठ भी ना, और ये देखिए यहाँ पे कितना सारा चेन एक साथ ऐसे हैंग हो रहा है, देख रहे हैं। ये हैंग इसलिए हो रहा है, उधर पूरा नहाने का जो घाट है वो है। अगर बाई चांस कुछ कोई फिसल गया, कुछ मतलब हुआ बाई चांस एक्सीडेंट, तो यहाँ पे सब है। तो थोड़ी घाटे जाओ, तो और ये देखिए कितना भीड़ है, देख रहे बहुत। फिर भी कम है, मतलब जो ये होता है होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ है। एक्चुअल आरती हो चुका है तो इसीलिए थोड़ा सा कम हो गया है। आरती से पहले आते तो मतलब खड़े होने का जगह भी नहीं मिलता हम लोगों को, तो इसीलिए देखिए कितना भीड़ है। और ये जो घाट है ये ऑपोजिट घाट है, जो घाट मैं गई थी ना उसका ऑपोजिट है ये वाला घाट। और ये देखिए यही है माँ गंगा का जो मंदिर है, एक्चुअल जो मंदिर है, और वो है बोलते हैं कि ब्रह्म घाट, इस साइड है ब्रह्म घाट, और उसी में ही जो नहा। और ये जो है ना कि कुंभ में नहा के बोलते हैं ना कि पुण्य कमाते हैं, पुण्य होता है, तो इस एक्चुअल ये वाला घाट में ही नहा के वो पुण्य मतलब बोलते हैं ऐसे। वहाँ गंगा का तो हर जगह है पुण्य हर जगह में, लेकिन बोलते हैं कि यही वाला एक्चुअल है। और ये है माँ गंगा का मंदिर, यहाँ पे ही आरती होता है यहाँ पे। एक डाली दे, कितने करके है रे? ना Thank you.
पूजा करना था, माँ गंगा के पास डाली देना था, वो सब कुछ हो गया है और अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं घर में। और फिर जाते जाते अगर और कोई अच्छा घाट या कुछ मिला तो हम लोग, मैं बिल्कुल शेयर करके वहाँ पे जाऊँगी। तो फ्रेंड, जो माँ गंगा का जो बहाव है एक ही तरफ ले जाना तो मतलब बहुत ही मुश्किल इसलिए है कि बहुत तेज बहाव हो जाएगा तो मतलब रुकना या उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हर की पौड़ी में क्या क्या है, दो तीन जगह से उस माँ गंगा का जो मोड़ है वो कर दिया है। तो ये जो मोड़ है वो अलग मोड़ है, मैं दिखा, ये जो है ये अलग मोड़ है और देख रहे हैं माँ गंगा का जो बहाव है, बाप रे बाप। और ये देख रहे हैं ये जो है ना, ये कुछ नहीं, ये ड्रेस चेंज करने का बनाया है कि ड्रेस, यहाँ के ड्रेस चेंज करेंगे। और हर की पौड़ी में, हरिद्वार में जो जो घाट है, हर घाट में ऐसे करके रखा है कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। और हर जगह में पुलिस, हर जगह में पुलिस, पूरा पुलिस से पूरा भरा हुआ है एकदम हरिद्वार पूरा, कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि हर जगह से लोग आ रहे, किसी को प्रॉब्लम ना हो और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसीलिए। और हर जगह में सैनिटाइज़र रखा हुआ है कि कोई मतलब बार बार हाथ को सैनिटाइज कर सके, मतलब कोई भी मतलब जो ये भी उत्तराखंड गवर्नमेंट कोई भी मतलब कसूर नहीं रखा है, कोई भी एक भी बूंद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रखा है कि किसी को प्रॉब्लम हो। हर जगह से वो लोग सब कुछ करके दिया है कि हर कुंभ है, इतना बड़ा एक ऑपरेशन है तो फिर सब कुछ सबको मिले। ये देखिए मेरे सामने सैनिटाइज़र का जो ये है, सैनिटाइज़र रखा हुआ है, देख रहे हैं कि लोग कभी भी मन हो, ऐसे हर जगह में किया हुआ है, कभी भी मन हो तो सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथ को ऐसे पुश करके। ये देखिए सैनिटाइज़र, चला जाओ। तो इसीलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर किसी को कुंभ में आना है तो बिना झिझक आइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड, मैं गंगा घाट में जाके, हर की पौड़ी में जाके जो मेरा ब्लॉग बनाया था मैं आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है। और अभी मैं जो दिखाने जा रही हूँ वो है बहुत ही अमेजिंग कुछ वीडियो। तो चलिए हम सब मिलके इस अमेजिंग वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो चलिए, we'll be right back.
और आज का जो ब्लॉग है कैसा लगा है आज का ब्लॉग आप लोगों को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज बहुत ही मन से मैंने ये ब्लॉग बनाया है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।